विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में महाकाल बाबा का शिव नवरात्रि के दूसरे दिन आज सुबह फूलों से आकर्षक सहरा बांधा गया, जहां बाबा महाकाल आज दूल्हे की तरह तैयार हुए। वहीं इसके बाद साल में एक बार दिन में होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती का आयोजित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 9 दिनों तक चलने वाले शिव नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन आज सुबह महाकाल बाबा का सवामन फूलों से आकर्षक श्रृंगार कर बाबा को सहरा बांधा गया। वहीं इसके बाद वर्ष के एक दिन होने वाली भस्म आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कल महाशिवरात्रि महापर्व था, उसी श्रृंखला में आज रात्रि भर भगवान को वर्ष में एक ही बार रात भर भगवान के पट खुले रहते हैं, उसी श्रृंखला में रात्रि को महापूजन हुआ, महान्यास पूजन हुआ। उसके बाद कुंटलों दूध दही घी शहद पंचामृत से भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। उसके बाद भगवान को सहस्त्रावली से बिलपत्र अर्पण किए गए। बिलपत्र अर्पण करने के बाद भगवान को विशेष प्रकार के फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया। उस स्वरूप में बाबा आज माध्यान्ह काल 11 बजे तक उस स्वरूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। वर्ष में एक ही बार जो भस्म आरती होती है वो वर्ष में एक ही बार माध्यान्ह काल में होती है, वो आज होगी। उसके बाद भगवान पुनः अपने निराकार स्वरूप में अपना स्वरूप भक्तों को प्रदान करेंगे। बाबा महाकाल का शिव नवरात्रि पे, शिव नवरात्रि के एक दिन पश्चात बाबा का रात को 4 पहर का पूजन होता है। पूजन के पश्चात बाबा का महापूजन महापंचामृत अभिषेक होता है, जिससे दूध घी शक्कर दही फलों का रस भांग विजिया बाबा का स्नान होता है। उसके बाद भगवान को सेहरा बांधा जाता है फूलों से, बाबा को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। सभी पुजारी मिलके उसको भगवान को दूल्हे के रूप में सजाए जाते हैं, ये भगवान की आज की विशेषता है। वहीं महाकाल के सहरे को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस शिवरात्रि के महाकाल के दर्शन नहीं कर पाता, वह इस सहरे के दर्शन कर 9 दिनों तक चलने वाली शिव नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।